ग्वालियर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की दो बोगियां जली, यात्री बोले एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे, महिलाएं भी चलती ट्रेन से कूदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगरा से ग्वालियर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की दो बोगियों में आग लग गई, यात्री एक दूसरे पर गिरते हुए जान बचाकर भागे, महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों तक ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। अच्छी बात ये रही कि चेन पुलिंग करने की वजह से ट्रेन की स्पीड धीमी हो गई थी। पंजाब के फिरोजपुर कैंट से मध्य प्रदेश के सिवनी के बीच चलने वाली 14624 पातालकोट एक्सप्रेस की दो जनरल बोगियों में बुधवार दोपहर 3:45 पर आग लग गई। ट्रेन आगरा से ग्वालियर के लिए निकली थी कि 10 किलोमीटर बाद भांडई स्टेशन के पास हादसा हो गया। ट्रेन का तीसरा और चौथा जनरल डिब्बा पूरी तरह जल गया, 10 से ज्यादा यात्री झुलसे हैं। डेली चलने वाली ये ट्रेन शाम 4:05 पर ग्वालियर आती है, लेकिन बुधवार को 6:18 की देरी से रात 10:20 पर आ सकी। 10:25 पर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। पातालकोट के कुछ यात्री दुर्ग एक्सप्रेस और हमसफर से ग्वालियर तक आए, सामान निकालने की कोशिश में दो युवक झुलसे। पातालकोट के S5 कोच की 4 नंबर सीट पर सफर कर रहे दिलेर सिंह ने बताया, अचानक बहुत ज्यादा धुआं उठा, स्मेल आने पर शोर हुआ कि आग लग गई। ट्रेन रुकने पर मैं अपनी बोगी से उतरा, देखा तो जनरल बोगियों से धुआं और लपटें उठ रही थीं। सामान निकालने की कोशिश में दो युवकों के कपड़ों में आग लग गई, वे झुलस गए। मैं और 200 से 300 लोग बाद में दुर्ग एक्सप्रेस पकड़कर ग्वालियर तक आए, मुझे सारणी जाना है। इमरजेंसी ब्रेक लगे तब पता चले कि आग लग गई। दिलवर सिंह जाट का कहना है, ट्रेन के अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगे। मैंने पूछा कि गाड़ी रुक क्यों गई, एक यात्री ने बताया कि आग लग गई है। ट्रेन रुकने पर उतर कर देखा तो बोगियों में भयंकर आग लगी थी, कुछ लोग झुलस गए। आधा घंटे बाद एम्बुलेंस आई, बाद में जले हुए डिब्बों को अलग किया गया। 40 मिनट में ही दोनों बोगियां पूरी तरह जल गईं। ईश्वर यादव ने बताया, मैं S2 बोगी में सफर कर रहा था, बीना जाना था। दो साथी जनरल कोच में सफर कर रहे थे, जनरल से दोनों साथियों को S2 में लेकर आ रहा था। इसी बीच शोर हुआ, आग लग गई, चेन पुलिंग हो गई। ट्रेन के बाहर देखा तो कुछ महिलाएं घायल पड़ी हुई थीं। यात्री एक दूसरे पर गिरते और चीखते हुए भागे, रुकते रुकते 5 मिनट में पूरी ट्रेन खाली हो गई। अगले 40 मिनट में फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले दोनों बोगियां पूरी तरह जल गईं। मैं और कई लोग हमसफर ट्रेन से ग्वालियर तक आ गए, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। यात्री ईश्वर बताते हैं कि कुछ यात्री ये बता रहे थे कि एक जनरल बोगी में लाइट नहीं थी, यात्री दूसरी बोगी में मोबाइल चार्ज करने जा रहे थे, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। भिंड का सिद्धांत झुलसा, बोला पिघली प्लास्टिक जैसी कोई चीज गिरी। भिंड निवासी 17 साल का सिद्धांत दिल्ली से लौट रहा था, उसने बताया, मैं ऊपर की सीट पर सो रहा था, अचानक धुआं और लपटें दिखने लगी, लोग भाग रहे थे, मेरे ऊपर पिघली हुई प्लास्टिक जैसी कोई चीज गिरी, मैंने ऊपर से सीधे नीचे छलांग लगा दी। ट्रेन के फर्श पर नंगे पैर कूदने पर तलवों में प्लास्टिक चिपक गई, जैसे तैसे हिम्मत जुटा कर बाहर निकला, पैर और शरीर झुलस गया। 3.5 घंटे बंद रहा ट्रैक, दोपहर 3:30 से लेकर शाम 7 तक दिल्ली झांसी रेल मार्ग बंद रहा। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन 3 से 4 घंटे देरी से ग्वालियर पहुंची। 5 घंटे तक लेट हुई दूसरी गाड़ियां, ट्रेन देरी। वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे, चेन्नई राजधानी 2:20, मुंबई राजधानी 1:05, सचखंड एक्सप्रेस 5 घंटे, महाकौशल एक्सप्रेस 4:25, उज्जैनी एक्सप्रेस 2:50, श्रीधाम एक्सप्रेस 3:20, बरेली इंदौर एक्सप्रेस 1.5 घंटे, गोंडवाना एक्सप्रेस 2:45। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।